गवर्नमेंट ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी की वैल्यू के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, उसका जवाब दिया था स्कॉलर्स ने, जहाँ जो प्रोफेसर्स हैं, मे बी किस यूनिवर्सिटी से है मुझे नहीं पता, बहुत अच्छा रिएक्शन दिया है, क्रिटिकल रिएक्शन दिया है। डॉक्टर सुखदेव सिंह ने कहा है कि द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी प्रोफेसर आर नॉट टेकिंग क्लास रेगुलरली एंड नो बॉडी बॉदर अबाउट इट। सर, मैं ये बात कह दूं कि जो मैंने वीडियो पेश किया है वो नॉर्मल गाइडेंस के लिए है। अगर आप स्पेसिफिकेशन में जाओगे, फॉर एग्जांपल नॉलेज को हम, आप नेचुरली डॉक्टर हैं, रिसर्चर हैं, तो आप इस बात को समझते होंगे। फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन है, अच्छा थोड़ा हायर चल जाए, के फॉर नॉलेज हो गई। नॉलेज जो है जो स्पेसिफिक एग्जांपल से शुरू होती है और हम जनरलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरा जो वीडियो है वो जनरल ओवरव्यू है। जब आप स्पेसिफिक एग्जांपल उठाओगे तो नेचुरली है कि जनरलाइजेशन, वो आपने इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग पढ़ी होगी, इधर को जब हम चलते हैं तो इंडक्टिव रीजनिंग है ना, और जब इधर आते हैं डिडक्टिव है। तो जब आप स्पेसिफिक एग्जांपल उठाओगे तो जनरलाइजेशन बेशक मेरे द्वारा बनाई गई है, किसी और द्वारा बनाई है, उसकी प्रोबेबिलिटी गलत हो सकती है, हाँ, लेकिन वो जनरलाइजेशन आपको गाइड करेगी। ये उन बच्चों के लिए है। आप यहां कहते हो कि वो प्रोफेसर जो क्लास नहीं लगाते, हाँ ये भी एक रिसर्च का विषय है। ओपिनियन के मुताबिक आपका कमेंट जो है वो ठीक हो सकता है, हाँ, पर ये देख लेना चाहिए मेरे ख्याल में जो यूनिवर्सिटीज हैं, टोटल यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट हो गई, दूसरा प्राइवेट हो गई, तो इनकी रैंकिंग होती है। अगर आपने स्पेसिफिकेशन में जाना है, हाई रैंक यूनिवर्सिटी भी है गवर्नमेंट, एवरेज रैंक भी है, लो रैंक भी है, यहाँ परफॉर्मेंस लो है, तो लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तो जो कंपैरिजन डाटा अवेलेबल है नेट पर, हाई भी है, एवरेज भी है, लो भी है। जब आप गवर्नमेंट लो को उठाओगे और प्राइवेट हाई से कंपेयर करोगे, जो नेक्स्ट कमेंट भी है, तो नेचुरली है कि ऐसा ही होगा कि गवर्नमेंट में ऐसा होता है, प्राइवेट में ऐसा होता है। मैंने खुद प्राइवेट यूनिवर्सिटी में काम किया है और हमारे ऊपर कैमरे भी ऐसे लगे होते थे, स्पाई सिस्टम भी होता था, कब कौन सा टीचर क्या करता है ये पूरी इंफॉर्मेशन जाती है। और गवर्नमेंट में ऐसा सिस्टम नहीं है। ये तो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बताएगी कि ये जो डिफरेंस है वो खत्म होगा या नहीं होगा। ये पक्की बात है, आपका जो कमेंट है ठीक कैसे है कि हाँ इसके भी लूप होल है, इसके भी लूप होल है ना। अगर आपने ऐसे स्पेसिफिकेशन में जाना है ना, किसी एक यूनिवर्सिटी को किसी दूसरी से कंपेयर करना है, तो नेचुरली आपको ये देखना पड़ेगा कि वो उस यूनिवर्सिटी का रैंक क्या है। अगर आपने देखे हो मेरा वीडियो है, उस पर जो फीस है ना पीएचडी की, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन है, मैंने डाटा कलेक्ट करके जो कैंडिडेट भी हैं उनकी जो डाटा साइट पर दिया है उसको कंपेयर करके जो मैंने दिया है, अच्छा उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेवल ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उसके हिसाब से फीस वेरी कर रही है। तो वो लेवल कौन से है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का ये लेवल दिया है, हाई रैंक्ड यूनिवर्सिटी भी है, प्राइवेट एवरेज भी है, लो भी है। अच्छा उनके रैंक का क्राइटेरिया क्या होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड कितने हो रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोग्राम एंड कोर्स ऑफर्ड, नंबर ऑफ फैकल्टी मेंबर एंड रैंक ऑफ यूनिवर्सिटी इन कंट्री और वर्ल्ड में कौन सा रैंक है। तो वो जो सर्वे हुए हैं वो रैंक मैंने निकाले हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रैंक फर्स्ट है, जो भी एक सर्वे हुआ होगा नेचुरली है ये रैंक फर्स्ट वाली यूनिवर्सिटी है, और आगे हमारे पास है ये 20th रैंक वाली यूनिवर्सिटी है, ये 52nd रैंक वाली यूनिवर्सिटी है, और ये 102 रैंक वाली यूनिवर्सिटी है, इससे आगे भी रैंक वाली है। अब प्राइवेट ही यूनिवर्सिटी रैंक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, टेंथ को हम लास्ट प्राइवेट वाली यूनिवर्सिटी से कंपेयर नहीं कर सकते। लास्ट वाली की फीस, जहां एनवायरमेंट, जहां टीचिंग लर्निंग प्रोसेस नेचुरली है कि लो होगा, ये बात आपकी सत्य है। पर मैंने जो फीस का जो सर्वे करके दिया है वो ये है, अपना सर्वे, ये इंटरव्यू है, एक्सपीरियंस है, और पीएचडी स्टूडेंट की जो दुख है उनके जरिए दिया है। यहां आप कंपैरिजन कर सकते हो, यहां मैंने रेंज दी है, उस वीडियो में मैंने ऐसी रेंज नहीं दी हुई, लेकिन हाँ गाइडेंस के लिए वो है। ये सारी फीसेज हैं आप देख सकते हो यहाँ पर, और टोटल मिला के डिफरेंस आप देख सकते हो कि ये 7 लाख तक जा रही है। नेचुरली ये हाई रैंक यूनिवर्सिटी होगी, और इसी को आप प्राइवेट को प्राइवेट से जब कंपेयर करोगे तो यहाँ 4 लाख भी बन रहे हैं, यहाँ 7 लाख बन रहे हैं, और यहाँ गवर्नमेंट में भी कंपैरिजन है, गवर्नमेंट में अच्छी यूनिवर्सिटी जहाँ पर
चलो यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूंगा, कई जगह बहुत कम है, पंजाबी यूनिवर्सिटी की फीस बहुत कम है, पंजाब यूनिवर्सिटी की फीस सच में बहुत कम है, और कई ऐसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उसकी फीस इससे दुगनी तिगनी है, पीएचडी कोर्स की फीस इतनी दुगनी तिगनी है। तो आपके रिएक्शन ने मुझे मोटिवेट किया, थैंक यू। पर आपने लिखा बहुत अच्छा है कि लिटिल बिट डिसएग्री है ना, तो नेचुरली है कि लिटिल बिट होना होगा कि मैं स्पेसिफिक अगर बात करूंगा तो पूरा डाटा, मैं डाटा के बिना बात नहीं कर सकता, खुद रिसर्चर हूं, तो एक यूनिवर्सिटी को दूसरी से जब कंपेयर करते हैं तो नेचुरली वो डिफरेंस आपको मिलेंगे। वो डिफरेंस लार्जली जो है मैं तो कहूँगा पॉलिटिकल फोर्स है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसे कैसे कम करती है देखते हैं। मैं जो वीडियो बनाता हूँ, जो स्टूडेंट्स कैंडिडेट दुख में हैं, जो टेंशन में है, सुसाइड तक सुसाइडल थिंकिंग तक चलती है, तो उनके लिए बनाता हूँ कि उनका दुख थोड़ा सा कम हो जाए, उनका खर्चा थोड़ा सा कम हो जाए, वो डिस्टर्ब कम हो, उनकी टाइमली वो हो जाए। तो आपकी वो एनालिसिस बिल्कुल ठीक है, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, पर स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक के साथ जब कंपेरिजन करेंगे हाँ तो ऐसा ही होगा। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लव टू एक्चुलाइज।